और थर्ड वेव सर कोविड-19 की उम्मीद की जा रही कि सितंबर से आएगी। स्कूल्स के किया कि जो स्कूल के केस पाए जाएंगे 15 दिन के लिए जो स्कूल बंद किया जाएगा, लेकिन केसेस हिमाचल के बदले शुरू हुए, पंजाब के भी स्कूल केसेस आए, उन्होंने लैके की प्लानिंग है? अज जिस तरह मैनू पता लग्या कि लुधियाने के 2 स्कूलों के कोविड के केसिज आए हैं, चीफ सैकटरी साहब ऑलरेडी VC सारे डिप्टी कमिश्नर नाल कर रहे हैं। अज शाम तक जो भी अप्रोप्रिएट फैसला होगा असी उस फैसले को लागू करांगे। किसी भी कीमत दे उपर बच्चों की सेहत को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाऊगा। साडे बच्चे साडे वास्ते प्रेशियस हैं, इस करके पंजाब ने बहुत लंबा समा स्कूल बंद भी रखे और कोविड की गाइडलाइनज़ नूं फॉलो करन वास्ते सबनों सख्त हदायत भी की। और अज भी जिहड़े बच्चे स्कूलों में फिजिकली आ रहे हैं वो सिर्फ असी उन्हां बच्चों को अलाउ करते हैं जिन्हां दे पेरेंट्स सानू रिटन अंडरटेकिंग देंदे हैं कि साडे बच्चों नूं फिजिकली स्कूलों में क्लासेस अटेंड करन वास्ते अलाउ करो, नहीं तो साडियां सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और उस ऑनलाइन क्लासेस दे विच ही साडा सारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। सर, इस प्रोबेबिलिटी कि स्कूल्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड इफ द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज? ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। दैट इज़ आर प्राइम फोकस एंड दैट हैज़ बीन द प्राइम फोकस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द पास्ट एज वेल, एंड आई अश्योर ऑल द पेरेंट्स दैट द सेफ्टी विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। एंड नाउ ऑल्सो वैन वी हैड ओपन स्कूल्स देर वर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशूड बाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट टिल द टाइम वी रिसीव एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन नो चाइल्ड विल बी अलाउड टू गो फॉर अ फिजिकल क्लास। सो आफ्टर वी रिसीव एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स दैन ओनली अ चाइल्ड इज अलाउड टू go come to school physically, otherwise all the children are taking online classes. And today there is a meeting going on with the chief secretary, with all the deputy commissioners of the districts. We are going to review the situation, and if the ground report says that we need to close the schools, we will take such a decision in the day to in the coming